हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वैशाली और आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा केजी गाजर। अब हम इसको धो के अच्छे से इसका टॉप और बॉटम को कट कर लेंगे। साथ ही हम उसकी स्किन को भी निकाल लेंगे हल्के हाथों से। तो अब हम इसको रेडी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे उसके स्किन को निकाल दिया है। उसके बाद उसके बॉटम और टॉप को भी मैंने कट कर लिया है। तो इस तरह ये रेडी हो चुका है। अब हम अगली प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो गाजर कट करके रखे थे उसको हमें इस तरह से इस शेप में कट करके ले लेना है। अब हम चलेंगे आगे। तो फ्रेंड्स, अब हम गैस ऑन कर देते हैं इस तरह से। उसके ऊपर हम एक कुकर रख देंगे जिसमें हम गाजर का हलवा बनाएंगे। तो इस कुकर में हम 2 चम्मच घी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डाला है इस तरह से। अभी इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब यहाँ पे घी हमारा गरम हो चुका है तो हम इसमें 2 इलायची डाल देते हैं छिलके के साथ। ये अच्छे से गरम होने देते हैं। उसके बाद हम डालेंगे गाजर। तो फ्रेंड्स, इसका फ्लेवर अब घी में उतर चुका है इलायची का। तो अब इसमें हम गाजर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाजर को ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं, आपको इसी तरह से रेड कलर के ही गाजर लेके आने हैं जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब ठंड का मौसम चल रहा है तो गाजर आसानी से मार्केट में आपको मिल जाते हैं। तो इसको हम 2 मिनट के लिए हिलाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हो मैंने 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से घी में मिक्स कर लिया है। अब हम इसका ढक्कन लगा के एक सीटी ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पे ही एक सीटी होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, कुकर की एक सीटी हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब जब कुकर अपने आप ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम अगले प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे 5 मिनट हो गए ठंडा होके। अब हम इसे खोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से गल चुका है। तो आपके पास इस तरह का स्मैशर होगा तो आप इसे अच्छे से स्मैश कर दीजिए, नहीं तो वो नहीं रहेगा। तो आपके पास कोई चम्मच रहेगा इस तरह से तो आप इससे भी उसको स्मैश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये आसानी से स्मैश हो गया है। इस तरह से ये स्मैश हो चुका है। अब हम इसमें 1 ग्लास दूध ऐड करेंगे। तो इस तरह से मैंने 1 ग्लास मतलब आधा लीटर आप इसमें दूध ऐड करेंगे आधा केजी गाजर के लिए। तो आपको इसको क्रीम के साथ ही ऐड करना है। जो मलाई रहती है दूध में आपको उसके साथ ही इसमें दूध को ऐड करना है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम फिर से गैस ऑन कर देते हैं इस तरह से। अब कुकर को फिर से इस पे रख देते हैं। अब ये दूध जब तक रिड्यूस नहीं हो जाता पूरी तरह से तब तक हम इसको पकाएंगे। हमें इसको कोई ढक्कन नहीं लगाना है। इसी तरीके से हम इसको पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध इसमें रिड्यूस हो चुका है। तो हमें लगातार हिलाते हुए 15 से 20 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे इस प्रोसेस को करना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 150 ग्राम शुगर लिया है मतलब एक छोटा बाउल। और यहाँ पे मैंने अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दीजिए। तो हम दोनों इस टाइम गाजर के हलवे में ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम और किशमिश मैंने यहाँ पे लिया था, और शुगर। अब इसको मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इस पे इसको मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं पहले से ज्यादा अच्छा कलर अब इसको आ गया शुगर की वजह से। तो अब शुगर पानी छोड़ रहा है तो ये अब पतला दिख रहा है। अब इसको हम हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं लगातार हिलाते हुए 5 मिनट। तो इसको ड्राई होने के बाद हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स शुगर डालने के पहले की प्रोसेस हमको लो फ्लेम पे करनी है, यानी मीडियम फ्लेम पे आपको करनी है, और शुगर डालने के बाद हम इसको हाई फ्लेम पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा हलवा रेडी हो चुका है। तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे गाजर का हलवा बनके रेडी है, वो भी 15 से 20 मिनट में हमने इसको रेडी किया है। और मैंने यहाँ पे कोई फुल फैट क्रीम यूज़ नहीं किया है, मैंने नॉर्मल काऊ का दूध यूज़ किया है। फिर भी कितना अच्छा बनके रेडी हुआ है, इसका कलर भी कितना अच्छा है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, बिना घिसे हुए ये बन जाता है आसान तरीके से। थैंक यू।